हेलो स्टूडेंट्स, हमने आगे देखा कि ब्रिक्स में से वॉल और विंडो की बहुत सारी पैटर्न बनाई जा सकती है और इसके अलावा ट्री के आसपास की डेकोरेशन भी ब्रिक्स से की जा सकती है। अभी हम आगे देखेंगे अ स्पेशल आर्च, आर्च यानी कि मेहराब। इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा, ये फोटो कहाँ की है? ओरछा की है। कहाँ की है? ओरछा। सी हाउ द आर्च इज मेड, देखिए ये कैसे बनाई गई है। इट हैज अ निकनेम घूंघट वाली मेहराब, इसको निकनेम क्या दिया गया है? घूंघट वाली मेहराब। अभी आगे देखते हैं। Is not the जाली of this window beautiful? क्या ये विंडो सुंदर नहीं दिख रही है? बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। It is made of thin bricks, जो पतली वाली ब्रिक्स आती है यानी कि पतली वाली जो ईटें आती है उससे ये जाली बनाई गई है। Have you ever seen this thin bricks? क्या आपने वो पतली वाली ब्रिक्स देखी है? लुक अराउंड, अपने आसपास देखो। जमाल एन कालू द मेसन ऑफ जागृति स्कूल, जागृति स्कूल के मेसन जमाल और कालू ने बताया, सेड दैट देयर ग्रैंडफादर यूज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स। जमाल और कालू ने क्या बताया कि उसके ग्रैंडफादर मैनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स यूज करके बिल्डिंग्स बनाते थे। सम ऑफ दिस आर शो इन दिस फोटो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी डिजाइन में यहाँ पे ब्रिक्स रखी हुई है। ये पतली है, ये मोटी है, सारी यहाँ पे दिखाई गई है। विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व एज, यहाँ पे दी गई ब्रिक्स में से कौन सी ब्रिक्स की जो ये धार बोलते हम लोग वो कर्व है, देखो यहाँ पे है ना ये वाली। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स, यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे बड़ी ब्रिक है उसकी कितनी साइड है यानी कि कितने फेस है। अभी छोटी ब्रिक्स लो या बड़ी लो लेकिन उसके फेसेस कितने हो गए? सिक्स। अभी नेक्स्ट, इज देयर एनी ब्रिक्स विच हैज मोर देन सिक्स फेस, यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई ऐसी ब्रिक्स है जिसके सिक्स फेस से ज्यादा फेस हो यानी कि सिक्स साइड से ज्यादा उसकी साइड हो। नहीं। अभी आगे, फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक्स, अभी यहाँ पे क्या ढूंढना है हमें? ब्रिक्स की साइज ढूंढनी है। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, क्या आपने डिफरेंट साइज की ब्रिक देखी है? ओ यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस। टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट, एक हमें एक ब्रिक लेनी है और उसका मेजरमेंट करना है। हाउ टू लॉन्ग इज इट, उसकी लंबाई कितनी है? आप एक ब्रिक लेके उसकी लंबाई ढूंढनी है आपको और यहाँ पे लिखनी है। हाउ वाइड इज इट, उसकी लेंथ कितनी है वो यहाँ पे लिखनी है आपको। हाउ हाई इज इट, उसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये वाला आपको होमवर्क में फिल करना है। अभी आगे, मुनिया वेंट टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीडेड
टू पुट इन अ लाइन. अभी यहाँ पे ये मुनिया है, उसको वन मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है, तो उसे हाउ मैनी यानी कि कितनी ब्रिक्स चाहिए होगी, मुनिया को कितनी ब्रिक्स चाहिए एक मीटर वॉल बनाने के लिए, तो वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है. ब्रिक्स एंड ब्रिक हॉट एंड फ्रेश. ब्रिक एंड ब्रिक यानी कि ईंट है, हॉट एंड फ्रेश यानी गरम और ताजी. गणेश एंड साइबा लिव नियर अ क्लीन वेयर ब्रिक्स आर मेड. गणेश और साइबा है वो जो ईंटें बनाते हैं उसके क्लीन यानी कि वो ईंटें बनाने वाली भट्टी होती है उसके बाजू में रहते हैं. कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर इज इट. यहाँ पे हमें ये चिमनी दिखाई दे रही है ना, तो आप गेस कीजिए ये कितनी हाई यानी कि कितनी ऊंची होगी. अबाउट 5 meters, अबाउट 15 meters या अबाउट 50 meters. अबाउट 15 meters. अभी आगे देखेंगे. गणेश एंड साइबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक इन द लॉन. गणेश और साइबा को ये पैटर्न की तरह जो ब्रिक्स रखी हुई है लॉन्ग लाइन में वो देखनी उसे बहुत ज्यादा पसंद है. लॉन्ग लाइन्स कीप आउट टू ड्राई. ये यहाँ पे किस लिए रखी है, सूखने के लिए रखी है. दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड. ओ गणेश और साइबा ने ये भी देखा कि ब्रिक्स कैसे बनती है. हियर आर 4 pictures from the bricks clean. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. अभी हमें यहाँ पे pictures दिए गए हुए हैं, तो हमें correct order में लिखना है कि सबसे पहले bricks बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे bricks बनी हुई है, ओके. और यहाँ पे ब्रिक्स सुखाने यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे ये ब्रिक्स रख रहे हैं अभी. यहाँ पे ये मिट्टी से ईट यानी कि ब्रिक्स बना रहे हैं और यहाँ पे मिट्टी ढूंढ रहे हैं. तो सबसे पहले हमें ब्रिक्स बनाने के लिए मिट्टी ढूंढनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें क्या नंबर आएगा, सी. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी. क्या लिखेंगे, सी. फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको मिट्टी को ऐसे ब्रिक्स वाले बॉक्स में रखेंगे यानी कि डी. तो सी के बाद क्या आएगा, डी. बाद में उसको नीचे जमीन पर सुखाने के लिए रख देंगे, इसलिए बाद में आएगा ए. और ईटे रेडी हो जाएगी इसलिए ए. हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ. लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स. ब्रिक्स कैसे बनती है हमने देख लिया, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बोला है, जो हमने ग्रुप डिस्कशन कर लिया. Have you seen a brick kiln? क्या आपने brick kiln देखी है? Brick kiln means जहाँ पे bricks बनती है वो. Did you try to guess the number of brick kept there? There are many bricks kiln in India. Thousands of them. More than 100,000. Can you imagine how big this number is. This number is also called 1 lakh.
Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of a leg. यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे भारत में बहुत सारी ब्रिक्स बनाने की क्लींस यानी कि ब्रिक्स बनाने की भट्टी बहुत ज्यादा है. उसका नंबर 100,000 में भी आ सकता है. अभी आगे फाइंड आउट. लुक एट दिस फोटो एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर करेक्ट बाय दिस ट्रक. And find out from a truck driver how many bricks then can carry in one truck. नीचे pictures दिया गया है वो हमें देखना है और image करना है कि one truck में कितनी हम लोग bricks भर सकते हैं. चलो अभी आगे. मेंटल मैथ. भजन बाय ब्रिक्स यानी कि भजन की खरीदी हुई ब्रिक्स. भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स द प्राइज वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स. द प्राइज वेर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. यहाँ पे भजन है वो ब्रिक्स खरीदने के लिए जाता है तो ब्रिक्स की डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स है और उसकी अमाउंट भी डिफरेंट है. ओल्ड ब्रिक उसकी अमाउंट है ₹1,200. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर उसकी प्राइस है 1,800. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद उसकी प्राइस है 2,000. भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद. भजन कौन सी ब्रिक खरीदता है? ब्रिकाबाद की. ही बॉट 3,000 ब्रिक. वो कितनी ब्रिक खरीदता है? 3,000. कितनी? 3. हाउ मच डिड ही पे. तो भजन कितने रुपए पे करेगा? तो अभी हम लोग देखेंगे 1,000 ब्रिक्स की कितनी है? 2,000 रुपीस है. तो हमें कितनी ब्रिक्स खरीदनी है? 3,000. तो 1,000 के 200 है तो 3,000 के कितने? अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,000 के कितने हैं? 200. तो हमें कितनी ब्रिक्स लेनी है? यहाँ 3,000 बराबर. तो अभी 3,000 के कितने हो गए? 3 × 6. वेरी गुड. यानी कितने हो गए? 6,000 रुपए. कितने हैं? वेरी गुड. गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ऑल ब्रिक्स. अभी ऑल ब्रिक्स है वो रुपीस 1,200 में. कितनी ब्रिक्स मिल रही है? 1,000 ब्रिक मिल रही है लेकिन हमें चाहिए कितनी? ओनली 500. तो इसका हमें आधा करना पड़ेगा. तो आधा कितना होगा? ₹600. वेरी गुड. यहां हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है. Thank you.